अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो व्यूवर्स, हम देख रहे हैं रेसिपी आपको, कर्ड राइस कैसा बनाते हैं देखते हैं, चलते हैं वीडियो के अंदर। ये आपको समर सीजन है इसलिए मैं आपको कर्ड राइस डाली हूँ। इसमें आपको मैं कैरेट, अदरक और ग्रीन चिल्ली पूरा भी डाल को हूँ। बेबी या ग्रीन चिल्ली तुम ना चॉइस चॉइस नहीं सर, तुम बच्चों को भी दे सकते हैं, अच्छा रहेगा। और वीडियो में मैं क्या क्या डाल तुम बोलो मैं आपको बता दूँ। मैं आपको 5 कैरेट आपको पील कर उठा को आपको अच्छे से तुरुप कर उठा ले तूँ। देखिए कैसे छोटे छोटे पीसेस करके तुरुप को उठा लेना। और मैंने जिंजर भी एक पीस उतना जिंजर उठाई हूँ, वो भी तुरुप कर उठा लेना। और मिर्चा आपको तुम्हें बच्चों को भी खिला सकते हैं क्योंकि अंदर का निकाल देंगे तो अच्छे से खिला सकते हैं बच्चों को। और वो भी मैं छोटे छोटे पीसेस काट कर रख देती हूँ। और कोतमल्ली पुदीना भी रख देती हूँ। जिंजर आपको मैं आपको तुरुप पीस हो वो आपको कट कर सका मालूम होता समझना, वो ये साइड पर रहता। और मैंने इसमें तेल डालकर पैन अच्छे से गर्म होने के बाद तेल डाल देती हूँ। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद मैं आपको उसमें 1 स्पून उतने रायन डालकर वो अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। और जिंजर भी डालकर उसमें ही तल लेती हूँ। जिंजर आपको एक ब्राउन थोड़ा सा ब्राउन कलर होने के बाद आप उसमें ये करपक और हरी मिर्च डाल सकते हैं। मेरा आपको अच्छे से ब्राउन कलर हो जान दो, ब्राउन कलर हों दो, ब्राउन कलर होगा तो वो मज़ा अलग ही रहेगा। जिंजर का आपको मैं क्यों डालती हूँ तो हजमित को अच्छा है और वो क्या वो अच्छा आंख होता भी अच्छा है। और उस पर उसलिए मैं डालती हूँ उसमें करप्पा और कोतमल्ली पुदीना दो भी डालकर अच्छे से वो भी तल लेती हूँ। दो भी अच्छे से तलने के बाद लास्ट में मैं इसमें आपको कैरेट भी मिक्स करूँगी। मैं आपको 1 स्पून उतना सॉल्ट डालकर अच्छे से पूरा भी मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद मैं आपको इसमें कैरेट भी डाल लूँगी। आपको होना होगा तो पोमेग्रेनेट भी डाल सकते हैं, आपका चॉइस है क्या हो क्या आप भी डाल सकते हैं। कैरेट डालेंगे तो बच्चे भी पसंद से खाएंगे इसलिए मैं आपको कैरेट डालकर आपको बनाकर बताई हूँ। खाली कर्ड राइस कौन भी नहीं खाते बच्चे का, कैरेट और क्या भी रहा तो अच्छे से पसंद से खाते हैं। हमारे घर में तो बहुत पसंद से खाते हैं कैरेट गिरत डाले तो, इसलिए मैं आपको पोमेग्रेनेट नहीं था इसलिए मैं आपको पोमेग्रेनेट नहीं डाली। थोड़ी देर के लिए अच्छे से कुक करेंगे, कैरेट को थोड़ा गलने छोड़ेंगे, लिड लेकर क्लोज कर थोड़ा सा गलें दो। आफ्टर 10 मिनट्स के बाद देखेंगे तो अच्छे से गल चुका है मेरा कैरेट। देखिए क्या नहीं था और कम हो गया है कैरेट। मैं आपको ये आपको घर में डालिए सो दही, घर में बनाए जमाए सो दही, वो आपको एक हाफ दही उठा लो तो मैं उसमें हाफ लीटर दही उठा लो तो घर में बना सो दही गाढ़ा था इसलिए आप दुकान का पैकेट दही पैकेट कर्ड भी डाल सकते हैं। और होम मेड कर्ड में आपको मज़ा अलग ही है। खाना मेरा पहले पका देती हूँ, ठंडे को रख डली हूँ। ठंडा होने के बाद मैं आपको उसमें मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करेंगे ये भी ठंडा होना, थोड़ी देर ठंडा होने के बाद मिक्स करना। ठंडा होने के बाद मैं कर्ड डाली कि नहीं कि स्टोव ऑफ कर दी, सॉरी बोलना भूल गई, कर्ड डाले कि नहीं कि एक मिक्स करे कि नहीं कि स्टोव ऑफ कर दी, पकाना नहीं स्टोव ऑफ कर देना लाजम है। वो पैन के गर्मी में ही कर्ड अच्छे से ये हो जाएगा। और मैं अच्छे से ये आपको मिक्स कर लेना, तो लाइट से मिक्स करना। और आप भी घर में बना कर देखे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कैसा था बोल को। कर्ड राइस आपको पसंद पड़े तो समर सीजन है बच्चों को भी पका कर देखे। कर्ड राइस पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें।